मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि भीड़ से संदेश स्पष्ट है, देश बदलाव चाहता है। रोड शो का सभी स्थानों पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लगातार ये जिस तरह से रोड शो आगे बढ़ रहा है, ये जो भीड़ है उससे काफी ज्यादा उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता। फिर चाहे हम सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखें या फिर इस पूरे लाइव कवरेज को देखें, बहुत ज्यादा उत्साह कांग्रेस खेमे में, कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है, जिसका जिक्र राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी किया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि ये भीड़ बहुत कुछ कहती है कि देश किस तरह से बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, देश बदलाव चाहता है और रोड शो का सभी स्थानों पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है। तो क्या प्रियंका वो आंधी है? प्रियंका गांधी की आंधी मोदी की सुनामी को टक्कर दे पाएगी? 2014 में जिस तरह से आपने देखा था कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, उसमें से 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सहयोगियों को मिला लिया जाए तो 73 सीटें बीजेपी के खेमे में चली गई थी। क्या इस बार उसमें बड़ा परिवर्तन होगा? क्योंकि इस बार की सियासत बहुत रोचक हो गई है। दो धुर विरोधी उत्तर प्रदेश के मायावती और अखिलेश यादव, बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए हैं। तो अब प्रियंका गांधी की भी इस तरह से एंट्री हुई है, तो क्या वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं? इस बार क्या वोट परसेंट जो तमाम पार्टियों का था उसमें एक बड़ा फेरबदल होगा या फिर कम मार्जिन ही यहां पर जीत और हार को तय करेगी? और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का असर बिहार और पश्चिम बंगाल तक होगा? इस पर सबकी निगाह है। तो ट्विटर पर बाढ़ सी देखने को मिल रही है प्रियंका के इस मेगा रोड शो को लेकर के। फेसबुक आप